मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त रह गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हर वर्ग को साधने में लगे हैं और इसी कड़ी में अब कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब से केंद्र के बराबर ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले यह 38% था, मगर अब इसे बढ़ाकर केंद्र के समान यानी कि 42% कर दिया गया है। अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में ये एक मास्टर स्ट्रोक भी शिवराज सरकार की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से लाडली बहन योजना के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। ये योजना भी इस चुनाव के लिहाज से मास्टर स्ट्रोक कही जा रही है। तो दूसरी तरफ अब जो कर्मचारी वर्ग नाराज चल रहा था, उनका 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अगर अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों की बात की जाए तो चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक यानी 600 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का इसमें कर्मचारियों को फायदा नजर आएगा। ऐसे में कर्मचारी वर्ग जो कि शिवराज सरकार से नाराज लग रहा था और कहीं ना कहीं ये घोषणा खुद पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करते और ये बात कहते कि उनकी सरकार आएगी तो 4% महंगाई भत्ता केंद्र के समान उनकी सरकार देगी, मगर उससे पहले ही शिवराज सरकार ने ये निर्णय लिया और आखिरकार 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अगस्त माह की बात की जाए तो तब ये सैलरी क्रेडिट होगी और उसी में ये महंगाई भत्ता अगर आप जनवरी से लेकर अगस्त जुलाई तक की बात करें तो ये जुड़ कर आएगा। तो इससे एक तरह से कर्मचारियों के घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और चूंकि दीपावली करीब होगी, 1-2 महीने बाद ही दीपावली है, उससे पहले ये बड़ा तोहफा शिवराज सरकार का होगा। तो कुल मिलाकर आप देखें कि जो भी वर्ग नाराज चल रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं या जिससे सरकार को लगता है कि इनके वोट बैंक की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ये निराश हुए तो उससे काफ़ी नुकसान होगा इस बार के चुनाव में। लिहाजा इन सारी चीज़ों को देखते हुए शिवराज सरकार हर उस वर्ग पर फोकस कर रही है जो चुनाव में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है और यही कारण है कि 7.5 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है। आगे देखना और भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कितनी बड़ी घोषणाएं करते हैं, साथ ही साथ और कितनी बड़ी सौगातें मध्य प्रदेश की जनता को या अलग अलग वर्ग जो कि प्रदर्शन कर रहा है या जो सरकार से नाराज बताया जा रहा है उन्हें देते हैं।